अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन ओडीआई के अंदर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही जो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आप लोग हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन ओडीआई की। वनडे के अंदर कौन से बैट्समैन टॉप पे और अच्छी बैटिंग का हम सारा करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे अपने ओपिनियन के लिहाज से कि भाई कौन कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं अच्छा खेलता है, उस लिहाज से हम उसको टॉप या राउंड ऑफ करेंगे। नंबर वन पे मेरे ख्याल से अगर कोई T20 में बेस्ट है तो वो रोहित शर्मा है इंडिया का। ओपनिंग करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और बहुत ज़्यादा रन भी करता है और सेंचुरी भी कभी कभी कर देता है। वो मोस्टली चौके मारता है छक्के इतने लगाता है कि फिर भी उसकी वेल है बैटिंग, और क्योंकि वो लॉन्ग पार्टनरशिप खेल लेता है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर जाता है। और साथ ही हम लोग बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम भी T20 के अंदर बहुत अच्छा खेलता है और मोस्टली 50+ करके जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बाबर आजम भी एक अच्छा प्लेयर कहलाया जा सकता है T20 के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो है रोहित विराट कोहली है। विराट कोहली तो आता ही हर फॉर्मेट में, तो विराट कोहली तो होगा। और इसके अलावा है डेविड मिलान को ही हम लोग ले आते हैं। शकीब उल हसन है इंडिया उसका बांग्लादेश का इंग्लैंड का आयन मॉर्गन है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कैप्टन भी है और छक्के बहुत ज़्यादा लगाता है उसके अंदर मैचेस के अंदर। वनडे में ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होती है और वो सेंचुरी वगैरह कर जाता है इसीलिए। और साथ ही इंग्लैंड का एक कैप्टन है बटलर, जोस बटलर, वो भी बहुत तेज खेलता है, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करता है। और जी उसके बाद हम लोग बात करते हैं नए आने वाले राइजिंग स्टार की पाकिस्तानी टीम के अंदर। पाकिस्तानी टीम के पास अब ओपनर्स की टेंशन नहीं है, ओपनर्स बहुत ज़्यादा मिल के इनको हैदर अली एक अच्छा प्लेयर इनको मिल चुका है, बहुत ज़्यादा फंटास्टिक किस्म की बैटिंग करता है, बहुत तेज़ भी खेलता है, लेकिन जिस जल्दबाजी को थोड़ी सी कर जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं देखता हूँ बड़ा कैमरा फोकस कर रहा है। तो ये कौन सा DSLR है? अच्छा जी, पाकिस्तान के पास हैदर अली भी आ गया, फखर जमान भी आ गया, शजील खान भी आ गया और बाबर आजम भी आ गया जो कि ओपनिंग करते हैं। मामूल आपको छोड़ो, खास बैटिंग नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने अपनी ओपनिंग परफेक्ट करोगे तो आपकी टीम चलेगी। इंडिया की ओपनिंग गिर जाए तो वो पूरी टीम गिर जाती है। वजह क्या है कि उनकी ओपनिंग परफेक्ट है, तो अगर हमारी ओपनिंग भी परफेक्ट हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए भी। और बाकी इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या बनता है, कौन किस किस को ये ओपनर आते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन सी टीम आती है टॉप पे और कौन सी नहीं आती। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के पास अब ओपनिंग अच्छी होने की वजह से एक अच्छी बैटिंग का सेटअप हो चुका है, क्योंकि T20 के अंदर तो ऑलरेडी इनकी ओपनिंग ठीक है। वनडे में थोड़ा सा मसला था कि वनडे में इनके पास कोई तेज बैट्समैन नहीं था। अब इनके पास अगर ये फखर जमान और हैदर अली को भेजते हैं तो वो भी परफेक्ट है, लेकिन अगर ये मेरी ओपिनियन के मुताबिक इनको चाहिए कि हैदर अली और शजील खान को भेजें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा T20 में भी और वनडे में भी। और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के साथ जो है पाकिस्तान टीम का नाम भी इंशाल्लाह रोशन करेगा और सदाबहार
पाकिस्तानी टीम के अंदर रहेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।